यस स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वर्नर पुट फॉरवर्ड सम पोस्टुलेट्स रिगार्डिंग द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज द डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटम बाय विच मैनर्स. सो ही टोल्ड द पोस्टुलेट नंबर वन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, रिजिड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, टू टाइप ऑफ वैलेंसीज और बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, टू टाइप ऑफ वैलेंसीज और बॉन्डिंग आर प्रेजेंट. ओके, फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्राइमरी वैलेंसी. इट इज फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड. नाउ बीइंग इट इज फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड, सो व्हेन द कंपाउंड इज डिसॉल्वड इन वाटर इट आयोनाइज इनटू कैटायंस एंड एनायंस. सो ऑल दोज स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड बाय द आयनिक बॉन्ड ड्यूस देयर रिस्पेक्टिव आयंस. ओके, सो इट इज फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड एंड द स्पीसीज आर रिटन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, आउटसाइड ऑफ व्हाट, स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, प्राइमरी वैलेंसी डू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, ओके, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज, ओके, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स, दैट इज ओवरऑल कॉम्प्लेक्स. मीन्स इफ इट इज रिमूव्ड द नंबर ऑफ स्पीसीज रिमूव्ड, द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑब्टेन बाय द कॉम्प्लेक्स. ओके, जनरली एनायनिक स्पीसीज आर के रिप्रेजेंट प्राइमरी वैलेंसी, रिप्रेजेंट व्हाट, प्राइमरी वैलेंसी. सेकेंड टाइप ऑफ वैलेंसी इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड. ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर के ऑफ मेटल और कंपाउंड. ओके, इट इज लिगेंड, विच डोनेट्स लोन पेयर्स टू सेंट्रल मेटल एटम, हैंस आर रिटन विद मेटल अंडर स्क्वायर ब्रैकेट. Getting? So, student, here if I denote
any of the compound. Like if I have to show NH3, now I am erasing all this thing to explain the primary and secondary valency. Student, primary and secondary valencies can be explained by taking any one of the example. Any one of the example. Like if I took the example of COCl NH3 and Cl2, then let me write, this is what CO. Okay, with primary valency, the species present outside is written. So it is attached using what? Using dotted line, it shows primary valency. This is what? Cl. You can write it what? Primary valency. And one more Cl is there, but this Cl is written, okay, with what? Regular line. And the five number of NH3 are written in this way. NH3, and this is what? NH3. So the species which are written with the regular line, they are named as ligand. Okay, and they decide the coordination number. That is, you can say what? Structure. What? Structure. Okay, ligands are what? Non-ionizable. That is, they do not ionize. Non-ionizable. While the primary valency is what? Ionizable. Okay. So, on this basis, we can explain the Werner theory that the coordination compound consists of two types of valencies, primary and secondary valencies. Primary valency only responsible for what? Ionization formed by which bond? Ionic bond. While the secondary valency is formed by coordinate bond formed between ligands and central metal atom or ions. Okay, so this is about the Werner's theory.